students, my name is Gina Shah. I'm your English teacher. Welcome to Swastik Academy's online classes. Today is the time to learn a poem that is At the Theatre. अब इस poem में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी manners, good manners के बारे में बताई है, जो आपको cinema hall में कोई ड्रामा देखने गए हैं वहाँ पर आपको फॉलो करनी चाहिए. हर जगह की एक मैनर्स होती है. स्कूल में बैठने की मैनर्स होती है, क्लासरूम में बैठने की मैनर्स होती है, घर में रहने की एक मैनर्स होती है. आप बड़ों के सामने चिल्लाते नहीं हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं. तो उस तरह से थिएटर में भी आपको मैनर्स रखने की ज़रूरत है. और जब आप ये मैनर्स फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरों को कैसी परेशानी होती है, वो परेशानी यहाँ पे एपी हार्बर्ट ने बहुत अच्छे से बताई है. एपी हार्बर्ट खुद एक ड्रामा देखने गए हैं, वहाँ पे उनके बाजू में दो तीन ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं. तो इस वजह से उन्हें क्या क्या तकलीफें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये इस चैप्टर में बताया है. और इस पोएम में आपको रिक्वेस्ट की गई है कि आप ऐसी कोई चीज़ जब आप मूवी वगैरह देखने जाए तो ना करें. एक्टिविटी 3 से ये पोएम स्टार्ट होती है. एट द थिएटर, एपी हार्बर्ट ने ये पोएम लिखी हुई है. पहले पोएम रीड करेंगे, फिर आपको थरोली समझाऊंगी. टू द लेडी बिहाइंड मी, एपी हार्बर्ट ने ये पोएम लिखी है किसके लिए, उस लेडी के लिए जो उनके पीछे बैठी है ड्रामा देखने के लिए. Dear madam, you have seen this play. I ever saw it till today. वो उनको कहते हैं कि मैडम आपने तो ये प्ले पहले देख चुके हैं, पर मैं इसे पहली बार आज देख रहा हूँ. You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. आपको तो पता है कि ये ड्रामा किसके बारे में है, पर मुझे पता नहीं है, इसलिए आप चुप रहिए और मुझे ड्रामा देखने दीजिए. द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी. ये जो प्ले का जो ऑथर है वो चाहता है कि मर्डर की आइडेंटिटी छुपी रहे. और पीछे आपने तो प्ले देख चुका है तो आप बार बार बोल रहे हो कि यही मर्डरर है, यही मर्डरर है, तो फिर ड्रामा देखने का मतलब क्या. ऑथर तो ये चाहता है कि मर्डरर की जो आइडेंटिटी है वो एंड तक छिपी रहे मुझसे. And you are not a friend of his if you keep shouting who it is. और आप shout कर करके चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि कौन है, who it is, कौन murderer है, चिल्ला चिल्ला क्या बोल रहे हो, तो आप अच्छे दोस्त नहीं हो. The actor in their funny way have several funny things to say. ये जो actor है वो funny acting करते हैं, लेकिन funny acting करने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो हंसी मजाक में हमसे कहना चाहते हैं. इसलिए जब कोई हंसी मजाक वाला सीन आए तो ऐसा नहीं कि आप आधा घंटे तक हंसते ही रहे जोर जोर से हा 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 हा, ताकि आगे का डायलॉग सुनाई ना दो. तो एक्टर जो है वो फनी थिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उन फनी थिंग्स के साथ वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं अपनी एक्टिंग के जरिए. बट दे डू नॉट अम्यूज मी मोर If you said them just before. लेकिन वो क्या कहने वाले हैं अगर आप पहले ही बोल जाओगे तो मुझे उतनी हंसी नहीं आएगी जितनी मुझे आनी चाहिए. हो सकता है कोई ऐसा प्ले चल रहा हो, कोई ऐसा मूवी चल रहा हो जिसमें वो एक्टर जो है वो गटर में गिर जाएगा. तो जब वो गटर में गिरेगा तो आपको हंसी आएगी, पर कोई पहले ही बोल देगा अरे यार वो गटर में गिरेगा तो आपको हंसी आएगी उतनी नहीं आएगी. तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो बेचारे एक्टिंग कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए, और अगर आप पहले ही उसे बोल देंगे तो वो लोगों को उतना नहीं हंसा पाएंगे जितना वो चाहते हैं. द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज. मेरिट यानी सस्पेंस, मजा. ये जो ड्रामा का जो ये मजा है वो सस्पेंस में छिपा हुआ है. अगर आपको लास्ट में पता चले कि अरे ये मर्डरर था,
तो आपको मजा आएगा। पहले ही पता है कि ये मर्डरर है, तो आप मूवी देखने जाओगे? नहीं जाओगे। तो ये जो ड्रामा का जो मेरिट है, मेरिट यानी मजा है, वो सस्पेंस में छुपा हुआ है। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू जस्ट फोरटोल्ड इट। फोरटोल्ड यानी पहले ही बता देना। लेकिन अब मेरे लिए सरप्राइज इतनी बड़ी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि कौन मर्डरर है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज आई इन फॉर अ हाफ वीट टू। आप एक लेडी को अपने साथ लेकर आए हैं और मेरे ख्याल से वो भी बिल्कुल पागल है। बट कैन अंडरस्टैंड अ द पीस विदाउट असिस्टेंट फ्रॉम योर नीज। जो लेडी को आप लेकर आए हो वो भी बिल्कुल पागल है। क्यों? क्योंकि वो भी अपने नीज को सब कुछ बता रही है। देख बेटा, अब ये ना ये आया, अब ये ऐसा करेगा, अब वो वैसा करेगा, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ऐसे सब समझाते जाएंगे उसको। छोटी बच्ची को साथ में लेकर आए, क्या मतलब है आप बीच में बोल बोल कर रहे हो और डायलॉग मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तो ऐसे ऐसे बिल्कुल बुद्धू, हाफ वीट यानी बिल्कुल बुद्धू बच्चे को आप क्यों लेकर आए हो, जिसको ड्रामा समझ में नहीं आता, सब कुछ उसको बोल बोल के समझाना पड़ रहा है। आप ऐसे बच्चों को क्यों लेकर आए हो ड्रामा देखने के लिए? ठीक है। इन शॉर्ट फाउल मोमेंट आई इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ यू वेर मी। यानी फाउल यानी क्रिमिनल, यानी एक वुमेन जो ये सब क्राइम कर रही है, बीच बीच में बोलकर, बीच बीच में हंसकर, बीच बीच में बातें करकर, तो यू फाउल वुमेन मुझे बहुत सूट करेगा अगर तुम चुप रहोगी तो। म्यूट यानी चुप, टीवी में म्यूट का बटन होता है, म्यूट करना यानी चुप हो जाना। तो अगर तुम चुप हो जाओगी तो मेरे लिए ये सबसे बेहतर होगा। In fact, to make my meaning plain, I trust you, you will not speak again. और शायद मेरी बातें तुम्हें मीन लगे, बुरी लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कुछ ना बोलो। You not speak again. मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कुछ ना कहो, बस चुप रहो। And may I add one human touch? डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि मेरे कंधे पर सांस मत लो। अब बस में जब जाते हो बहुत भीड़ होती है तो आपको ये फील होता है कोई एकदम आपके कंधे पर सांस लेता है तो कितना इरिटेशन फील होता है। तो ऑथर भी ए पी हार्बर्ट भी उस लेडी को कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल मेरे कंधे पर सांस मत लो, आप थोड़ा दूर बैठो। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है हमारी। तो देखिए एक बार पोएम रिपीट कर ले फटाफट से कि क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, डियर मैडम यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सॉ इट टिल टुडे। आप ये ड्रामा पहले देख चुके हो, मैं पहली बार देख रहा हूँ। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट। आपको शायद इस ड्रामा के बारे में पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। The author seek to keep from me the murderer's identity. Author, ये प्ले का जो राइटर है वो चाहता है कि मर्डरर की आइडेंटिटी, जिसने मर्डर किया है उसको, किसने मर्डर किया है उसको वो छुपा कर रखे। And you are not a friend of his if you keep shouting who it is. और आप उसके दोस्त नहीं हो अगर आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि कौन मर्डरर है, तो आप वो राइटर के दोस्त नहीं हो। The actor in a funny way has several funny things to say. Actor funny way करते, funny way में, funny acting में बहुत कुछ कहना चाहते हैं हमसे। But do not amuse me more if you have said them just before. लेकिन अगर आप पहले ही बोल दोगे कि अब आगे क्या होने वाला है तो मुझे उतनी हंसी नहीं आएगी, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी वो एक्टर मेहनत कर रहे हैं मुझे खुशी देने के लिए। The merit of the drama lies, I understand, in some surprise. ड्रामा का जो असली फन है वो सरप्राइज में छुपा हुआ है। But the surprise now must be small. लेकिन अब ये सरप्राइज छोटी हो जाएगी
सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड मी, क्यों, क्योंकि आपने मुझे पहले ये सब बता दिया है कि ड्रामा में आगे क्या होने वाला है। मैं खाना का पैसा खर्च करके आया, पर पहले पता होता आपको बाहर ही पूछ लेता, मेरे तो मूवी के पैसे बच जाते, राइट। तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज आई इन फॉर अ हाफ वीक टू, जो लेडी को आप अपने साथ लेकर आए हो वो भी बिल्कुल पागल है, बिल्कुल बुद्धू है। बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंट फ्रॉम योर नीस, वो आपके हर वो आपकी नीस है जिसको हर बारे में, हर चीज़ के बारे में बार बार बोल कर असिस्टेंट हेल्प करने की ज़रूरत पड़ रही है। इन शॉर्ट फाउल वूमेन इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ़ यू वेर म्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम म्यूट हो जाओगी, अगर तुम चुप हो जाओगी। इन फैक्ट टू मेक मीनिंग प्लेन आई थ्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हें अब रूडली कहना चाहता हूँ कि तुम अब एक शब्द मुंह से मत निकालो। एंड मे आई टच वन ह्यूमन, एड वन ह्यूमन टच, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, और मैं एक और बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे नेक पर सांस मत लो, यानी थोड़ा दूर बैठो, इतना चिपक चिपक के मत बैठो। ओके, इसके जो हार्ड वर्ड्स है, जो मीनिंग है, वो यहाँ पे पीछे आपको MCQ में एक्टिविटी 5 के तौर पर दिए गए हैं, जिसके आंसर्स मैंने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिख लिए हैं। एक बार रीड करके बता दूँ। प्लॉट यानी इवेंट इन द स्टोरी ऑफ द प्ले, सी यानी ट्राई टू फाइंड और गेट, मैरिट यानी इंटरेस्ट, अम्यूज यानी इंटरेस्ट और गिव प्लेजर, फोरटोल्ड यानी टोल्ड बिफोर हैंड, पहले ही बता देना, फोरटोल्ड करना यानी पहले ही उस चीज़ के बारे में बता देना, इन्फर यानी रीच एन ओपिनियन फ्रॉम द फैक्ट, कोई भी फैक्ट के हिसाब से पहले ही अनुमान लगा देना कि अच्छा ऐसा हुआ ना तो ऐसा होगा ना तो ऐसा होगा, तो इसे इन्फर कहते हैं। हाफ फिट यानी स्टूपिड, फाउल यानी मैनरलेस, पीस यानी अ कंपोजिशन इन अ म्यूजिक, म्यूजिक का एक टुकड़ा, प्ले का एक टुकड़ा, ड्रामा का एक टुकड़ा, उसे प्लॉट सॉरी पीस कहते हैं। असिस्टेंट यानी हेल्प, म्यूट यानी स्पीचलेस, चुप हो जाना, नीस यानी आपको पता है नीस यानी आपके भाई बहन की बेटी या बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 5 आपकी ख़त्म हो गई। एक्टिविटी 6 में क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। एक्टिविटी 7 में कुछ MCQs है, उसके हम आंसर्स देख ले। एक्टिविटी 7, आई एवर सॉ इट टिल टुडे मीन्स I saw it in the past. I haven't seen it so far. I am seeing it again today. तो इसमें से क्या आएगा? Yes, the answer is B. I haven't seen it so far. मैंने अभी तक नहीं देखा है. So first का आंसर है B. But the surprise now must be small means the play has no suspense at all. The suspense of the play is rather lost. The suspense of the play is intact. तो इसमें क्या आएगा? But the surprise now must be small. मतलब the play has no suspense at all. So the answer is A. Don't breathe upon my neck so much means don't hit my neck with your words. Don't breathe so heavily. Don't keep so close to me. तो आंसर आएगा मेरे इतने नज़दीक मत आओ, तो डोंट कीप सो क्लोज टू मी, सो द आंसर इज सी। ओके फाइन, आगे और कोई एक्टिविटी इस चैप्टर में करने लायक नहीं है, तो यहाँ पे एक ही पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है चैप्टर नंबर 4 पोएम दैट इज एट द थिएटर। यहाँ पे हमने कुछ मैनर्स देख ली है, हार्डवर्ड्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो कि पीछे मैच द फॉलोइंग के तौर पर आपको दिए गए हैं। उसके अलावा एक्टिविटी 7 में जो 3 MCQ थे उसके आंसर भी हम सॉर्ट आउट कर चुके हैं। इसके अलावा घर पर रहिए, हेल्दी रहिए, कोरोना से बचते रहिए, सेफ्टी रूल्स अपनाइए, और बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।